जेडीयू में उन लोगों का भविष्य बिल्कुल डार्क दिख रहा है उनको, इसलिए वहाँ कौन रहेगा? तो कोई नहीं वहाँ रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं संपर्क तो लोगों का है ही। अब कब कौन हटेंगे औपचारिक रूप से यह समय बताएगा, लेकिन संपर्क में है मेरे साथ भी और अलग अलग जगह। जेडीयू का विलय होना है यह बात बिल्कुल तय है। कब होना है, एक महीना में होगा कि छः महीना में होगा, ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन विलय तय। देखिए, हम किसी बयान के बारे में हमको जानकारी नहीं है, वो अलग विषय है, लेकिन जेडीयू के अंदर हमने बार बार कहा है कि सिर्फ फुटबॉल की स्थिति आगे आने वाले दिनों में और दिखेगी। वहाँ कोई भी एक दो अपवाद को छोड़ दीजिए, तो जो भी बड़े नेता हों या नीचे के कार्यकर्ता, अब कोई जेडीयू के साथ नहीं रहने वाला है। सब लोगों को मालूम हो गया है कि जेडीयू का क्या हर्ष होना है। जिस दिन नीतीश कुमार जी ने निर्णय ले लिया कि हम अब लालटेन छाप जिंदाबाद करेंगे, बिहार को हम उसी खौफनाक स्थिति में फिर से पहुँचाएँगे जहाँ 2005 के पहले बिहार था, तो उस परिस्थिति में कौन उस पार्टी में रहने वाला है? तो इसलिए इस स्थिति के कारण आज किसी का बयान, कल किसी का बयान सुनिएगा, तो बारी बारी से सब लोग वहां से हटने वाले हैं, हटेंगे, जाएंगे। एकजुटता की कवायद चल रही है, लेकिन बिहार में जेडीयू इस तरह की दिख रहा है बयान अंदर। विपक्षी एकता की कवायद तो दिखाने के लिए है। नीतीश जी को भी मालूम है, महागठबंधन के लोगों को मालूम है कि सबसे अधिक दुर्गति अगर देश भर में कहीं महागठबंधन की होगी आगामी चुनाव में, तो बिहार में होगी सबसे अधिक दुर्गति, यह मालूम है सब लोगों को। इसलिए कवायद कुछ भी लोग दिखाने के लिए करें, बिहार में तो यही हर्ष होना है। क्या बात को दोहरा रहे, तो क्या लगता है ये जो गुटबाजी की बातें लगातार सामने निकल कर सामने आ रही है, तो क्या अंततः जेडीयू जो है वो बिखरेगी? हाँ, तमाम नेता सब लोग कहीं ना कहीं ठिकाना ढूंढ चुके हैं, और बीच में मेरे हटने के बाद भी तो कई लोग वहाँ से हटे, तो आप देखते जाइए ना, यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है, और अंततः जेडीयू में कुछ नहीं बचने वाला है, सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई है, कौन कब हटेंगे, लेकिन सभी हटेंगे। कहा जा रहा है कि आपके संपर्क में जेडीयू के कई विधायक और सांसद हैं और बीजेपी के संपर्क में। हाँ, निश्चित रूप से, देखिए हमने कहा कि लगभग सभी लोग कहीं ना कहीं अपना ठिकाना ढूंढ चुके हैं। कुछ लोग मेरे संपर्क में भी हैं, यह बात बिल्कुल सच है। भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग और कहीं संपर्क में होंगे। मतलब कुल मिला जुला कर जेडीयू में उन लोगों का भविष्य बिल्कुल डार्क दिख रहा है उनको, इसलिए अब वहाँ कौन रहेगा? तो कोई नहीं वहाँ रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं संपर्क तो लोगों का है ही। अब कब कौन हटेंगे औपचारिक रूप से यह समय बताएगा, लेकिन संपर्क में है मेरे साथ भी और अलग अलग जगह पर। हमने तो बार बार कहा है भाई कि इन लोगों ने जो गठबंधन की बात जब एनडीए से अलग होकर कर रहे थे नीतीश जी महागठबंधन के साथ, उसी समय एक डील हुई थी जिसकी चर्चा हम बार बार करते रहे। उस वक्त डील की चर्चा हमने की तो चीज़ें स्पष्ट नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बात तो अब लोगों के सामने में है। आरजेडी और जेडीयू का विलय होना है, यह बात बिल्कुल तय है। कब होना है, एक महीना में होगा कि छः महीना में होगा, ये तो आगे पता